हमारा दिमाग शरीर को संचालित करने के साथ साथ विभिन्न विषयों का ज्ञान, लोगों की पहचान, पिछली घटनाएं आदि को याद रखता है और जरूर पड़ने पर तत्काल याद भी कर सकता है। हमारा दिमाग भविष्य के बारे में भी सोचता है और प्लानिंग करता है। हमारा ये छोटा सा दिमाग इतना काम कैसे कर सकता है, यह विज्ञानियों को भी ठीक से पता नहीं है। लेकिन शोध और अवलोकन के आधार पर विज्ञानियों का कहना है कि दिमाग में अरबों ज्ञान कोष होते हैं और वह एक बड़े जाल का निर्माण करता है और पेड़ की शाखाओं की तरह एक दूसरे से जुड़ता है। ज्ञानकोश एक दूसरे से टेंडाइट नामक सूत्रों द्वारा जुड़े होते हैं। ये सब देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, यह सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। दिमाग के अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग केंद्र होते हैं और आंतरिक हिस्सों में मेमोरी सेंटर होता है। मेमोरी सेंटर भी दो होते हैं और इसमें मौजूद कोशिकाओं में असंख्य जानकारी होती है। न्यूरोट्रांसमीटर नामक विद्युत संकेतों के माध्यम से कोशिकाएं एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। ये जल की हड्डी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होता है। आंख, कान, जीभ और त्वचा को देखना, सुनना, चखना और छूने आदि की जानकारी यह दिमाग तक पहुंचाती है। जो पढ़ा, लिखा और अनुभव किया जाता है वह दीर्घकालिक स्मृति के रूप में दिमाग में जमा होता है। इस तरह दिमाग का कार्य बहुत जटिल होता है, इसलिए अलग अलग लोगों में भी अलग अलग तरीके की मानसिक शक्तियाँ होती है। तो इस तरह दिमाग अलग अलग चीजों को याद रखता है। यदि वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।